आज चुनाव। अरे मैं बहुत लेट चल रहा हूँ। अबे पता क्या हुआ, लाइट चली गई थी। अभी बज रहे हैं कितने? 9:31 हो रहे हैं भाई साहब। दिख रहा है 9:31 हो रहे हैं और मैं अब वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं, मैं बस टॉपिक नहीं था आज का। मैंने टॉपिक सोचा हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास टॉपिक हो या ना हो, मैं बंटाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और बनाने के लिए मेरे पास टॉपिक क्या था, आइडिया क्या था कि बंटाई के टॉप 5 सॉन्ग जो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे, चाहे मैं किसी भी मूड में रहूँ मैं बजा सकता हूँ। और 5 ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैं कहा यार बंटाई के ऊपर रखेंगे ना तो बोलेंगे बंटाई से मिल कर रहा है, जो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, बात तो सच है। बट फिर मैं कहा दूसरे आर्टिस्ट भी तो हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, और टॉप 5 फेवरेट इंडियन रैपर्स और फेवरेट इंडियन रैपर्स, मतलब 5 गाने में जितने भी मेरे रैपर्स इंडियन में फेवरेट है मैं उनके बताऊँगा। मैं कहा ठीक है। फिर लाइट चली गई तो मैं कहा अब क्या करें। मैं कहा कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। बट मैं कहा लाइव स्ट्रीम करेंगे तो कितने लोग आएंगे, 10-12 नहीं करते, और आएंगे तो साले बिग बॉस की बात करेंगे मेरे से। तो फिर अभी लाइट आई तो मैंने नेट खोला, मतलब न्यूज मेरे पास इतनी सारी है ना, बट बात हम सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में करेंगे क्योंकि करनी है बंटाई से बात। सो ट्विटर पे ना एक बंदा है अयान आज करके, फॉलो करना अगर नहीं किया तो। बस बंदा उसकी ग्राफिक करके जो एडिट मारता है ना, उसकी ये इस टाइप की पोस्ट आ गई ना, मेरा वीडियो का आइडिया आ गया। मैं लेजिट बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा, मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ। अब इस पोस्ट में जो बातें लिखी है मैं नाम लेके तो बात करूंगा नहीं, बट अगर तुम बोलते हो एमवे इज अ ट्रैश, तो फिर एक काम करो ना, इंडियन हिप हॉप को ट्रैश कैन बोल दो, क्योंकि सारे लोग अच्छे गाने तो नहीं बना रहे। वरना इस बात पे बादशाह बोलने को आ गया तो क्या बोलेगा, ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है। अरे बहुत ब्रिलियंट भाई, कमर्शियल जानता। अबे जाना माँ बहने करा, एमवे इज अ ट्रैश। अच्छा वो कमर्शियल करे, बहुत अट्टी रैपर थोड़ी है, वो ट्रैश है। साला तुम ट्रैश कैन की बात कर रहे हो। अगर तुम इंडियन हिप हॉप की बात कर रहे हो, तुम किसी भी आर्टिस्ट को डिग्रेड कैसे कर सकते हो। साला नाम रखने से हो जाता है HFBBBBB। जा पढ़ के यार ढंग से, एमवे इज अ ट्रैश। साले जब गाली में प्रॉब्लम क्या है, इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई थी ना पोस्ट में, अगर मैं एक एक को जवाब देना शुरू कर दूंगा, मैं ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा ना माँ बहन से रिलेटेड जो ये करते हैं, फिर किसी की माँ नहीं होगी, किसी की बहन नहीं होगी, किसी का बाप नहीं होगा, और फिर बाद में ये रोते फिरेंगे तो ऐसी ऐसी बातें करता है। वही बात है कि बंटाए के खिलाफ में गाली दी जाए तो सही है, बट बंटाए पलट के गाली दे दे, ए गाली देता है चल तेरी माँ का पकौड़ा, बहन का लड़का। बात तो सही है। एक का कमेंट है, मैं सोलिना को सेक्सी मान के ये शपथ लेता हूँ अब से एमवे को कभी ट्रोल नहीं करूंगा। क्यों, सोलिना तेरी माँ लग रही है, हैं? तेरी बहन लग रही है, कौन लग रही है? एक काम कर, अपना नुन्नू काट के बैठ जा और ताली बजाना शुरू कर दे, और फिर ये शपथ ले तो शायद थोड़ा सीरियस लगेगा, क्योंकि ये ट्वीट भी साले ट्रोलिंग है। हम हिप हॉप वाले और सार्केज़म कर रहे, मेरा जोक टट्टी खत्म बात। अपना जो सबको फनी लगता है, बट जब खुद पे आ जाना तब थोड़ा इशू हो जाता है मेरे भाई। और सोलिना कहाँ से आ गई इसमें, है? अब सोलिना आर्टिस्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है। भाई हम जोक कर रहे थे, ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है भाई, वरना Volume 1 भी हिप हॉप ट्रैक ही था। बकवास करवा लो, अब आएंगे हिप हॉप के ज्ञानी। भाई Volume 1 हिप हॉप नहीं था, नहीं क्या नहीं था, क्या नहीं था पकौड़े? MC को तुम हिप हॉप नहीं मानते हो, 1000 बार उस पे लड़ जाते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरा है, एमवे के मोस्ट ऑफ द फैंस अनपढ़ हैं और मादर होब है। मैं जाके अपनी माँ से अब उसकी एजुकेशन पूछ गया, और फिर पूछना क्या मजबूरी थी कि मेरे बाप से शादी कर ली, और कौन सी कितनी गंदगी मजबूरी होगी कि आपने मेरे को जन्म दे दिया, जेन्युइनली पूछना ये सवाल, क्योंकि माँ एजुकेटेड नहीं होगी तभी ये दो गलतियां करी उन्होंने। अगर तू दूसरों को अनपढ़ कह रहा तो तेरी बातों से तू पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, और मैं बंटाई की पब्लिक, मैं बंटाई का फैन, अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ग्रेजुएट हूं मैं, इसे अनपढ़ कहते हैं तो तेरे पास PhD की डिग्री होगी, ले ले मेरा आके पहले मुंह में ले ले। और मेरा जेन्युइनली, मैं ये कमेंट पढ़ा ना अनपढ़ वाली बात पर, मैं ठीक है ये खुद अनपढ़ ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे ऐसी बातें नहीं करेंगे जेन्युइनली ट्रोल करने के लिए भी। वीडियो जब तक मैं नहीं बना रहा, मैं बहुत शांत आदमी, मैं गालियाँ देता भी नहीं रियल लाइफ में, वीडियो में मैंने बहुत दी हुई है। बट अगर तुम बोल रहे हो मदरहुड, तुम्हें मीनिंग पता है ना उस गाली का, जेन्युइनली BKP उस पर ऑफेंड होगी तो वो गलत होगा, वरना मिल्फ किसको पसंद नहीं। आंटी जी कम ऑन, लेट्स मचाएंगे। तीसरा कमेंट पढ़ेंगे। Anyway, really want that post Raftar beef wala clout back.
होती है मर्सी सॉन्ग, नो मर्सी थी या मर्सी थी जो भी था, रहम उसका रिप्लाई है टेक्निकली। उस गाने के व्यूज चेक करके आप पहले, उसे क्लाउड की जरूरत नहीं है, क्लाउड के लिए भाग रहे हैं। पोस्ट क्लाउड क्या, प्री क्लाउड बोल तो समझ में आएगा मुझे, समझ नहीं आया तो समझ में आएगा। सही लिखा था बे, मैं बजा नहीं सकता पूरा, वरना ये पूरा ट्रैक बजा देता मैं, पता नहीं। ये पोस्ट क्लाउड वाला जो है मेरे को दिल से आया, अम्मा मड़ा चप्पल का चमड़ा कुछ भी। चौथा एमी में भाई कोई ट्रैक ड्रॉप, क्रो ट्रैक कौआ, किसकी ऑडियंस अनपढ़ थी मैं नहीं बताऊंगा। एमी में भाई कोई ट्रैक ड्रॉप, क्रो ट्रोल, जोर से ट्रोल करने का मन हो रहा, किसकी ऑडियंस अनपढ़ थी, मेरे को सर्टिफिकेट देखने सबके, क्योंकि अगर इन्होंने पढ़े लिखे निकले ना और सर्टिफिकेट है तो मेरे को पुलिस कंप्लेन करनी है। पैसे देके बनाया सालों को, करो क्रो, साले तुम भी रैप राइम से ही कर रहे हो क्या, कौन सा वेव राइम था, क्या था वो मेरा, क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या। पांचवा, आई रियली फील बैड फॉर दोज जो एमवे के फैन हैं एंड ओस के गाने लिटरली लूप पे सुनते हैं। यू गाइज नीड सम हेल्प एंड थेरेपी। या आई डू एग्री, क्योंकि लूप पे किसी के भी गाने सुनना हैबिचुअल है, तुम एडिक्टेड हो रखे हो उस चीज से। अच्छा, तो बेसिकली इंडियन हिप हॉप में जितने भी अच्छे गाने बने उन्हें लूप पे नहीं सुन सकते, वो भी एडिक्शन है। मैं चेन स्मोकर हूँ, वो भी एडिक्शन है, तो उसके लिए हेल्प चाहिए। बट एटलीस्ट मेरे ट्विटर पर जाके ट्रोल करने के लिए किसी की एजुकेशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए दूसरे आर्टिस्ट को नीचे नहीं गिरा रहा, और गाली माँ की गाली तो मैं किसी को नहीं दे रहा। मेरे से पहले बोलने से पहले जाके तुझे थेरेपी की जरूरत है। अच्छा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना, बहुत महंगी है थेरेपी। मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि हर ग्रुप में लड़की का होना बहुत ज़रूरी है, हर घर में एक लड़की का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम लड़कियों के साथ रहते हो ना या औरतों के साथ रहते हो, तुम में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये लौंडा लपाड़ी करते रहोगे ना तो पेचे ही लड़ाते रहोगे आपस में, चाहे रियल लाइफ हो या ट्विटर। आखिरी, हु द एफ इज रस, जाके अपने बाप से पूछ जिसकी वर्शिप करता है, वो बताएगा रस क्या है। साला NF तारीफ कर रहा है रस की, तू कौन है बे? IHH, अबे जा, IHH नाम डालने से कोई बन नहीं जाता, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किसने दिया ISO मार्क, दिया क्या किसी ने? फॉलोइंग बढ़ा ली, हाँ तू बोलेगा बात है, मैं बोलूंगा टट्टी खा ले फिर, ट्रैश कैन में पड़ी हुई है। बाकी मैं गाने करने वाला हूँ बंडाए का टॉप ट्रैक्स लिस्ट करके, मतलब बंडाए के जो अब तक के सब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं एटलीस्ट, और मोस्टली उसमें से कमर्शियल हैं। आज जो मैं नाम दे सकता हूँ वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, पता नहीं ज़्यादा चला था कि नहीं चला था, आउट ऑफ संपर्क करके सॉन्ग है, क्योंकि मैं हार्ट रिलेट करता हूँ, कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क, हर आर्टिस्ट रिलेट करेगा इस सॉन्ग से, ट्राई कर लेना पूछ के। बाकी लेट में तुम क्या सोचते हो, पीस आउट।